क्या अमेरिका का भी चंद्रयान लॉन्च हो रहा है? क्या इस बार नासा इंसान को चंद्रमा पर भेजेगा? क्या चांद पर होगी रूस के साथ भारत की टक्कर? जाने कौन करेगा सबसे पहले लैंडिंग, चंद्रयान 3 या फिर लूना 25? चंद्रयान 3 मिशन के सफल होने से चीन को क्या नुकसान होगा? आइए दोस्तों, इन सब खबरों के बारे में जानते हैं जो कि शायद ही आपको पता होगा। रूस और भारत दोनों पिछले करीब 7 दशकों से पक्के दोस्त हैं, और अब दोनों ही दोस्त अपनी दोस्ती को चांद तक लेकर जा रहे हैं। जी हाँ, जहां भारत का चंद्रयान 3 चांद से कुछ ही दूरी पर है, तो वहीं रूस का अपना मिशन लूना 25 लॉन्च हो चुका है। भारत का दोस्त करीब 50 साल के बाद चांद पर जा रहा है। ऐसे में हर किसी के मन में बस यही सवाल आ रहा है कि चंद्रयान 3 या फिर लूना 25 चांद पर बाजी कौन मारेगा और किसके कदम चंद्रमा के सबसे मुश्किल हिस्से दक्षिणी ध्रुव पर पहले पड़ेंगे। रूस ने सन 1976 में अपना मिशन लॉन्च किया था। 47 साल बाद यह अपना पहला लूनर लैंडर चांद की तरफ रवाना किया है। यह मिशन ऐसे समय पर लॉन्च हुआ है जब भारत का चंद्रयान 3 चांद पर लैंडिंग से बस कुछ ही दिन दूर है। ऐसे में सवाल है कि चंद्रमा की सतह पर उनके उतरने की लूना 25 की समय सीमा क्या चंद्रयान 3 से मैच होगी? इसका जवाब भारतीय अंतरिक्ष संस्था इसरो की तरफ से दिया गया है। इसरो ने बताया है कि चंद्रयान चांद की सतह के करीब पहुंच गया है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोस्मोस ने बताया है कि उसके लूना 25 अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर पहुंचने में 5 से 7 दिन लगेंगे। लूना 25 और चंद्रयान 3 दोनों मिशन एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे। एजेंसी के मुताबिक दोनों मिशन में लैंडिंग के लिए अलग अलग क्षेत्रों की योजना है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोस्मोस के मुताबिक ऐसा कोई खतरा नहीं है कि दोनों मिशन एक दूसरे से टकराएंगे या फिर हस्तक्षेप करें। चांद पर सभी के लिए पर्याप्त जगह है। चंद्रमा का साउथ पोल एक उबड़ खाबड़ वाला इलाका है और लैंडिंग को बहुत मुश्किल बना देता है। यह कई रहस्यों से भरा है, मगर काफी बेशकीमती डेस्टिनेशन है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पर महत्वपूर्ण मात्रा में बर्फ हो सकती है, जिसका प्रयोग ईंधन और ऑक्सीजन निकालने के साथ साथ पीने के पानी के लिए भी किया जा सकता है। भारत का चंद्रयान 3 2 हफ्ते तक प्रयोग करेगा, जबकि लूना 25 1 साल तक के लिए वहां पर रुकेगा। लूना 25 अपने साथ 31 किलोग्राम वजन वाले वैज्ञानिक उपकरण भी लेकर जा रहा है। वह चांद पर जमे हुए पानी की मौजूदगी का टेस्ट करेगा, साथ ही चट्टान की 6 इंच की गहराई से नमूने इकट्ठे करेगा। यह नमूने मानव जीवन के बारे में काफी कुछ बता सकते हैं। लूना 25 को पहले अक्टूबर 2021 में लॉन्च होना था, लेकिन इसमें देरी हो गई। भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। भारत चांद पर अपने स्पेसक्राफ्ट की सॉफ्ट लैंडिंग कराकर खुद को प्रमुख अंतरिक्ष महाशक्ति बनाना चाहता है। 2019 में भारत ने चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया था, तब यह फेल हो गया था। लेकिन अगर इस बार भारत का चंद्रयान 3 सफल हुआ तो भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा करने वाला 4th देश बन जाएगा। लेकिन भारत का यह मिशन सिर्फ लैंडिंग तक ही खास नहीं है, बल्कि लैंडिंग की जगह भी बेहद महत्वपूर्ण है। भारत चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के करीब पर उतारना चाहता है। ऐसा करने वाला वह पहला देश होगा। दक्षिणी ध्रुव पर अभी कोई खास खोज नहीं हुई है। चंद्रमा खनिजों से भरा हुआ है, जिसके लिए दुनिया के ताकतवर देश स्पेस रेस लड़ रहे हैं। चंद्रमा पर 50 साल बाद अब एक बार फिर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। दुनिया की कई स्पेस एजेंसियां मिशन शुरू करने वाली हैं। अमेरिका 2024, चीन 2025 और रूस 2030 में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने से जुड़ा मिशन शुरू कर दिया है। इन सब के बीच चंद्रयान 3 सिर्फ रिसर्च नहीं, बल्कि भारत की अंतरिक्ष शक्ति बनने की आकांक्षा को भी दिखाता है। चंद्रयान 3 से पहले भी भारत 2 मिशन लॉन्च कर चुका है। भारत ने 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च किया था, जो एक ऑर्बिटर था। यह 1 साल तक चांद का चक्कर लगाता रहा। साल 2019 में इसरो ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया, लेकिन लैंडिंग के दौरान यह मिशन फेल कर गया। चंद्रयान 2 की गलतियों से सीखकर चंद्रयान 3 का लैंडर फिर से बनाया गया है। चंद्रयान 3 लगभग 40 दिनों की यात्रा करेगा। लैंडिंग के बाद यह चांद की सतह का थर्मल, कंपन और खनिज का माप करेगा। भारत चांद पर अपना लैंडर उतारने में लगा है, तो वहीं चीन चंद्रमा पर अपने अंतरिक्ष यात्री भेजना चाहता है। चीन 2030 में अंतरिक्ष यात्री और लैंडर चांद की सतह पर पहुंचाना चाहता है। साल 2020 में चीन, अमेरिका और रूस के बाद चांद के सैंपल धरती पर लाने वाला 3रा देश बन गया।
भारत का यह मिशन सफल होना बेहद जरूरी है। इसके सफल होने के बाद ही वह आगे के मिशन चला सकता है जो चीन को कड़ी टक्कर देगा। चीन और रूस की एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। ऐसे में भारत और अमेरिका की एजेंसियां भी साथ आई हैं। नासा 2024 में भारत के अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजेगा। नासा ने 50 साल पहले इंसान को पहली बार चांद पर भेजा था। एक बार फिर नासा का यही लक्ष्य था, जिसके तहत उसने आर्टेमिस मिशन शुरू किया है। इस मिशन के जरिए नासा का लक्ष्य है कि 2025 तक इंसानों को चांद पर फिर भेजा जाए। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद।